वेलकम फ्रेंड्स इन कुकिंग स्कूल। आज हम आलू चिप्स बनाएंगे, लेकिन सिंपल नहीं, इसे चटपटा और टेस्टी बनाने के लिए इसे टमाटो फ्लेवर में बनाएंगे। ये एकदम क्रिस्पी और टेस्टफुल बनती हैं, खास करके बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आएगी। तो आप हमारी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टोमेटो फ्लेवर वाली कुरकुरी चिप्स सबको बहुत ही पसंद होती हैं और ये बाजार में जो मिलती है टोमेटो मस्ती, टोमेटो टेंगो, बिल्कुल वैसे ही बनती हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो आलू और 500 ग्राम टमाटर लिए हैं। टमाटर को अच्छे से धो लिया है। पहले हम टमाटर के इस तरह के टुकड़े कर देंगे। आपने सिंपल चिप्स तो बहुत बार बनाकर खाई होगी, लेकिन ये टमाटो फ्लेवर वाली चिप्स का टेस्ट एकदम अलग ही आता है। तो टमाटर के टुकड़े कर लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और मीडियम गैस पर ढककर इसे 5 से 7 मिनट तक पका लेंगे, जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो जब तक ये पक रहा है, चलिए हम आलू में से छिलके निकाल लेते हैं। इसी तरह से एक चाकू की मदद से सारे आलू में से छिलके निकाल लेंगे और छिले हुए आलू को भी पानी में ही रखना है, वरना आलू काले हो जाते हैं और चिप्स भी सूखने के बाद थोड़ी सी काली दिखती है। तो थोड़े आलू में से हमने छिलके निकाल दिए हैं और 5 मिनट भी हो चुके हैं। चलिए अब टमाटर को देख लेते हैं। टमाटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब फ्लेम को बंद कर लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे इसे, और ये ठंडा हो जाए तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी और ब्लेंडर से इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसमें टमाटर को पूरी तरह पकाना पड़ता है, ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और पल्प भी एकदम गाढ़ा बने। तो इसे ग्राइंड कर लिया है हमने। अब एक बर्तन लेकर ऊपर छलनी रखेंगे और इसे छान लेंगे, ताकि इसमें से छिलके और बीज अलग हो जाए। ये प्रोसेस करनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो हमने इसे छान लिया है, आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा है ये। अब इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच नमक, और फिर से इसे 5 से 7 मिनट तक मीडियम गैस पर उबाल लेंगे। तो ये उबल रहा है, तब तक हम चिप्स बना लेते हैं। ये मशीन ली है हमने। एक आलू लेंगे और धीरे धीरे इसे मशीन के ऊपर खींचते जाएंगे और चिप्स बना लेंगे। आप देख सकते हैं एकदम अच्छी बन रही हैं चिप्स। इसी तरह चिप्स बनाकर इसे पानी में डाल देंगे, ताकि ये काली ना हो जाए। तो हमने चिप्स बना ली हैं। अब 3 से 4 बार इसे पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए। तो 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से उबलने लगा है। अब इसे साइड में ले लेंगे और 2 से 3 लीटर जितना पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। तो पानी गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक और मिक्स कर लेंगे। और ये हमने चिप्स को धो के तैयार कर लिया है, ये भी डाल देंगे इसमें और थोड़ा सा इसे चला लेंगे, ताकि नमक अच्छे से सारे चिप्स में मिक्स हो जाए। अब ढक्कन रखकर इसे 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसे हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना इसके टुकड़े हो जाते हैं। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर देख लेंगे। आप देख सकते हैं चिप्स हल्का सा पक चुका है। अब एक जाली वाले बर्तन में इसे निकाल लेंगे, ताकि इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और ये चिप्स को किचन टॉवल के ऊपर फैलाकर 1 से 2 घंटे तक पंखे के नीचे सूखने देंगे, ताकि ये थोड़े से सूखे हो जाए। और 2 घंटे बाद थोड़े सूखे हुए चिप्स को टमाटर के पल्प में डालेंगे और इसी तरह एक एक चिप्स को डिप करते जाएंगे पल्प में और धूप में सुखाते जाएंगे। और इसी तरह एक्स्ट्रा पल्प निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हल्की सी कोटिंग ही करनी है चिप्स के ऊपर। तो इसी तरह हमने सारे चिप्स को सुखा लिया है। अब 1 से 2 दिन तक इसे धूप में रखेंगे, ताकि ये जल्दी से सूख जाए। और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं चिप्स अच्छे से सूख चुकी है। और इसे धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि धूप में सुखाने से आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं।
तो अब इसे फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। गरम तेल में थोड़े चिप्स डालेंगे और एकदम स्लो गैस पर इसे फ्राई करेंगे, वरना ये जल्दी से लाल हो जाते हैं। कोई भी चिप्स को फ्राई करते वक्त आपको इसी बात का ध्यान रखना होता है कि ये लाल ना हो जाए, वरना चिप्स का टेस्ट थोड़ा कड़वा आता है। तो चिप्स को हमने फ्राई कर लिया है। अब इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए ऊपर से छिड़क देंगे थोड़ा चाट मसाला और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ताकि ये खाने में और भी टेस्टी लगे। और YouTube पर ये पहली रेसिपी है टोमेटो मस्ती चिप्स की, तो इसे ट्राई जरूर करिएगा और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।